सिटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। दिन भर की तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। पहले नजर डालिए आज की हेडलाइंस पर। झारखंड भाजपा ने की विपक्षियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, 5 विधायक और 3 वरिष्ठ अधिकारी हुए भाजपा में शामिल। रांची भाजपा कार्यालय में हुआ भव्य कार्यक्रम, सभी को विधिवत रूप से बनाया गया भगवाधारी। मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता रहे कार्यक्रम में मौजूद। मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रघुवर दास का काफिला पहुंचा गिरिडीह। हवाई अड्डे में उन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर, बाद में भाजपाइयों ने किया उनका गर्मजोशी से स्वागत। उनके रोड शो में भी उमड़ा जन सैलाब, जगह जगह हुई उनकी भव्य आगवानी। और जिला प्रशासन की ओर से गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभुकों को प्रदान की गई दूसरी किस्त की राशि, डीबीटी के माध्यम से बांटी गई 400 करोड़ की राशि। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षियों पर साधा जमकर निशाना, कहा मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष, भाजपा के विकासशील योजनाओं से झल्लाया हुआ है कांग्रेस और जेएमएम। अब खबरें विस्तार से। रांची के भाजपा कार्यालय में बुधवार को जश्न का माहौल था। भाजपा ने विपक्षी दलों पर सर्जिकल स्ट्राइक करते हुए कांग्रेस के 2 और जेएमएम के 3 विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया। मुख्यमंत्री के समक्ष कुल 5 विधायक और 3 बड़े अधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। झारखंड में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने बड़ा धमाका किया है। विपक्षी दलों में सेंधमारी करते हुए बीजेपी बुधवार को उनके 5 विधायकों को पार्टी में शामिल करा लिया। कांग्रेस और झामुमो से जुड़े ये विधायक अपनी पार्टी में खासी धाक रखते हैं। इनके झारखंड की राजनीति में भी एक अलग पहचान है। इस लिहाज से भाजपा की विपक्ष पर यह बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक कही जा सकती है। भाजपा में शामिल हुए इन विधायकों में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत, विधायक मनोज यादव, झामुमो के कुणाल सारंगी, जेपी पटेल और भानु प्रताप शाही शामिल हैं। राजधानी रांची में भाजपा प्रदेश कार्यालय में इसको लेकर एक भव्य कार्यक्रम रखा गया था। जो तमाम नेतागण सम्मिलित हुए, ये भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद और विकास की राजनीति से प्रेरित होकर इस झारखंड के सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास, सबका विकास सबका साथ गए, जो हमारे मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मूल मंत्र, उससे प्रभावित होकर इस राज्य, जो समृद्ध राज्य की गोद में जो गरीबी है, ये गरीबी को समाप्त करने के लिए तमाम हमारे विभिन्न राजनीतिक दल के वरिष्ठ नेतागण और जो अधिकारी सेवा में शामिल हो गए, इसी से प्रेरित होगा। क्योंकि ये जो बीजेपी में आ रहा है तो ये कुछ समाज के लिए, राज्य के लिए कुछ कर रहे हैं, ये अपने लिए नहीं आ, इस राज्य में फिर से स्टेबल गवर्नमेंट रहे, राजनीतिक स्थिरता रहे। और इसी से, क्योंकि इन लोगों को राज्य के प्रति दर्द, देश के प्रति दर्द, और यही दर्द इनको आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को स्वीकार करने की प्रेरणा देते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता जो है, मैं फिर से सभी हमारे जितने भी नेता वृंद है, सेवानिवृत्त अधिकारी है, जो आज भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा में आस्था प्रकट करते हुए इस राज्य को और इस देश को आगे बढ़ाने में जो आप महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे जो मंडू के विधायक पटेल जी नहीं आए हैं, उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि मुझे अभी गिरिडीह जाना है, जहाँ हम 25 लाख किसान को मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का दूसरा किस्त गिरिडीह की धरती से देने जा रहे हैं। बहुत बहुत साधुवाद। हमारे बाकी प्रक्रिया प्रदेश अध्यक्ष जी, हमारे पूर्व मंत्री हजारीबाग के लोकप्रिय सांसद जयंत सिन्हा जी और हमारे चुनाव के प्रभारी सह प्रभारी किशोर यादव जी, बाकी आप प्रोग्रेस करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद।
मौके पर हजारीबाग के सांसद जयंत सिन्हा ने कहा कि जो जनादेश हमें 2019 में मिला है उसका संदेश मानकर कई जनप्रतिनिधि और अधिकारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं। जो काम 60 साल में नहीं हुआ वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुखिया मुख्यमंत्री रघुवर दास ने 60 महीनों में कर दिखाया है। सबको जोहार नमस्कार। साथियों, माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है और सब जो आज हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं उन्होंने कहा है कि आज एक देश में मुख्य धारा बन गई, एक मुख्य धारा बन गई और ये मुख्य धारा है राष्ट्रवादी सोच की, विकास का एक लक्ष्य लेकर सुशासन से जनता के लिए सेवा करने के लिए एक मुख्य धारा बन गई है और इस मुख्य धारा और इस मुख्य धारा के द्वारा के साथ साथ चलते हुए जो हम लोगों ने 60 साल में काम नहीं हो पाए विकास के साथियों वो हम लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व के कारण, माननीय मुख्यमंत्री जी के साहसिक नेतृत्व के कारण जो 60 साल में काम नहीं हो पाए वो हम लोगों ने 60 महीने में काम करके दिखाया। ये मुख्य द्वारा हम लोगों ने किया है, मुख्य धारा इसे मानती है और जो हमें जनादेश लोकसभा चुनाव से मिला है इससे प्रेरित होकर कई सारे हमारे जनप्रतिनिधि सार्वजनिक जीवन में कई दिग्गज नेता आज इसे मानकर इस मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। यहाँ विधायकों के अलावे रिटायर्ड आईएएस सुचित्रा सिन्हा, अरुण उराव, पूर्व डीजीपी डीके पांडे ने भी विधिवत रूप से भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। मौके पर मुख्यमंत्री के अलावे कई वरिष्ठ भाजपा नेता मौजूद रहे। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर बोड़ो स्थित हवाई अड्डे में तगड़ी सुरक्षा बंदोबस्ती की गई थी। वहां मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचते ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में भाजपा नेताओं ने उनका खूब गर्मजोशी से स्वागत किया। जोहार जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री रघुवर दास बुधवार को गिरिडीह पहुंचे। यहां बोड़ो हवाई अड्डा में उनका उड़न खटोला उतरा तो उनके स्वागत में भाजपा नेताओं, कार्यकर्ताओं और आम आवाम का जन सैलाब उमड़ पड़ा। उनकी अगवानी में कई दिग्गज नेता हवाई अड्डे में फूल का गुलदस्ता लेकर खड़े थे। लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब की बार भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। एसपी सुरेंद्र झा अपनी पूरी टीम के साथ मौके पर मुस्तैद रहकर स्थिति पर नजर बनाए हुए थे। मुख्यमंत्री के यहां उतरते ही उन्हें पुलिस विभाग की ओर से गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। बाद में तमाम नेताओं ने बारी बारी से उनका स्वागत किया। स्वागत सत्कार के बाद उनका काफिला रोड शो के लिए निकल पड़ा। चलते जाइए, आगे निकलते जाइए। चलिए चलिए चलिए।
जोहार जन आशीर्वाद यात्रा के तहत गिरिडीह पहुंचे मुख्यमंत्री पूरे शहरी क्षेत्र में रोड शो कर यहां के लोगों से मुखातिब हुए। मौके पर जगह जगह उनका गर्मजोशी से स्वागत हुआ। अपने स्वागत सत्कार से मुख्यमंत्री बेहद खुश दिखे और वह आम आवाम से लगातार रूबरू होते रहे। जन आशीर्वाद यात्रा कार्यक्रम के तहत बुधवार को गिरिडीह पहुंचे सूबे के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम से पूर्व रोड शो किया। इस दौरान गिरिडीह के भाजपाइयों व खासो आम ने भी जगह जगह पर मुख्यमंत्री का भव्य रूप से स्वागत किया। मुख्यमंत्री रघुवर दास बोड़ो स्थित हवाई अड्डा से निकलने के बाद गिरिडीह पचम्बा मुख्य मार्ग स्थित अलकापुरी, नेताजी चौक, अंबेडकर चौक, जयप्रकाश चौक, कालीबाड़ी चौक, मौलाना आजाद चौक, बड़ा चौक, हुट्टी बाजार होते हुए गिरिडीह स्टेडियम पहुँचे। रोड शो के दौरान मुख्यमंत्री बोड़ो से अलकापुरी तक पद यात्रा करते हुए सड़क के किनारे खड़े स्कूली बच्चों से मिलते हुए आगे बढ़े। मौके पर स्थानीय लोगों ने भाजपा नेता विनय सिंह के नेतृत्व में मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत किया। वहीं कालीबाड़ी के पास भाजपा नेता डॉक्टर विद्याभूषण, गुरबेज सिंह कालरा, पार्षद सुमित कुमार, पार्षद प्रतिनिधि मिथुन चंद्रवंशी सहित सिख समुदाय और स्थानीय व्यवसायियों के द्वारा पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया। मौलाना आजाद चौक के पास भाजपा नेत्री पूनम प्रकाश के नेतृत्व में भाजपाइयों ने पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मुख्यमंत्री का काफिला जैसे ही शहर के बड़ा चौक पहुंचा, वहां मंच से सीएम पर पुष्प वर्षा कर उनका भव्य रूप से स्वागत किया गया। मौके पर भाजपा नेता दिनेश यादव, मुकेश जालान सहित कई भाजपाई मौजूद थे।
जिला प्रशासन की ओर से बुधवार को गिरिडीह स्टेडियम में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि प्रदान की गई। वहीं कई महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री रघुवर दास के हाथों कराया गया। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के अंतर्गत लाभुकों को द्वितीय किस्त की राशि वितरण समारोह का उद्घाटन बुधवार को सीएम रघुवर दास ने गिरिडीह स्टेडियम में किया। यहां मुख्यमंत्री ने 24,53,000 किसानों के बीच 400 करोड़ रुपए द्वितीय किस्त की राशि डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया। मौके पर मंच में कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व सांसद रविंद्र राय, विधायक निर्भय शाहबादी, विधायक केदार हाजरा, मेयर सुनील पासवान, 20 सूत्री उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय समेत अन्य कई नेतागण मौजूद थे। इस मौके पर भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रघुवर दास ने कहा कि वर्ष 2014 के पहले किसी प्रधानमंत्री ने किसानों की सुध नहीं ली। विपक्षी पार्टियों ने केवल किसान के नाम पर वोट की राजनीति की। पहली बार एक गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बना तो किसानों के लिए प्रधानमंत्री सम्मान योजना की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों का अनुसरण करते हुए उन्होंने झारखंड में किसानों के लिए मुख्यमंत्री आशीर्वाद योजना के लिए बजट में 3,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। नवंबर दिसंबर माह तक किसानों को तृतीय किस्त की राशि भेज दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान जब तक खेती के साथ पशुपालन, वन आधारित सामानों को एक साथ जोड़कर व्यवसाय नहीं करेंगे तब तक उनकी आमदनी दोगुनी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करनी है। उन्होंने कहा कि गिरिडीह से भी किसान खेती की नई तकनीक जानने के लिए इजराइल जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार गांव में शहर वाली सुविधा उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। गांव में नल से वर्ष 2022 तक हर घर में पेयजल आपूर्ति होगी। गांव में एलईडी लाइट व पेवर ब्लॉक से सड़क बनेगी। 80% गांव में 2400 घंटे सातों दिन बिजली देने पर काम चल रहा है। यहां कार्यक्रम की सफलता में जिला प्रशासन के अधिकारियों के अलावे भाजपा जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, डिप्टी मेयर प्रकाश सेठ, भाजपा नेता विनय सिंह, डॉक्टर विकास लाल, दिनेश यादव, देवराज, संदीप डंगाइच, हरविंदर सिंह बग्गा समेत भारी संख्या में भाजपा नेता व कार्यकर्ता लगे हुए थे। दीप प्रज्वलन करते हुए हमारे सम्मानित प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि, बतौर मुख्य अतिथि सुबह के मुखिया मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की द्वितीय किस्त की राशि का भुगतान जोरदार तालियों से इसका स्वागत करना चाहेंगे।
श्री भागीरथ कुमार वर्मा, प्रशस्ति पत्र है 8,468 रुपया। दूसरा किस्त में आया है 4,124 रुपया। श्रीमती जानकी देवी मालिकों को सांकेतिक रूप से सुनीता और लैला रूना को गैस के थोड़ी तालियां और बजे। ऐसे उत्साह वर्धन विकास के कार्य लगातार झारखंड की धरती पर। सरकार की ओर से तालियां थोड़ी बजनी चाहिए। कार्यक्रम के तहत दूसरी किस्त की राशि जो लगभग 24,53,000 राज्य भर के किसानों को मिल रहा है और कुल 400 करोड़ रुपए तक की राशि वितरित की जा रही है। इसके साथ साथ जन कल्याण की अनेक योजनाएं शिलान्यास और लोकार्पण भी इस आशीर्वाद योजना के तहत आज यहाँ शुभारंभ हो रहे हैं। तो मैं सर्वप्रथम गिरिडीह सहित सभी राज्य के अन्नदाता और 2014 तक आजादी के बाद से हम देखें तो हमारे देश के किसान आत्महत्या करने को मजबूर। तो ये आजादी के इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी जो हमारे गरीब है, गांव है, किसान है, महिलाएं हैं और नौजवान की चिंता हमारे मोदी जी की सरकार ने की। किसानों की चिंता पूर्व के 67 वर्ष की राज करने वाली कांग्रेस पार्टी और यूपीए ने सिर्फ गरीब आदिवासी किसान के नाम पर सिर्फ वोट बैंक की राजनीति। किसानों की चिंता पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं की, ये मोदी जी की सरकार ने किसानों की चिंता की और आजाद भारत में पहली बार प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश के किसान अन्नदाता के लिए योजना लागू। सारे किसान को हर वर्ष और एक साल दो साल नहीं 10 साल तक 6,000 रुपया 2,000 रुपया किस्त में देने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के स्वागत में छोटे छोटे बच्चों को सड़क पर खड़ा करने पर भाजपा की किरकिरी हो रही है। दरअसल छोटे छोटे स्कूली बच्चों को भाजपा की टोपी पहनाकर मुख्यमंत्री के स्वागत में खड़ा कर दिया गया था। मुख्यमंत्री रघुवर दास के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जबरन विभिन्न स्कूलों के बच्चों को घंटों सड़क के किनारे खड़ा कर दिया गया। अपने मुखिया के स्वागत में बावले हुए भाजपाइयों को इतना भी भान नहीं रहा कि स्कूल में छुट्टी कराकर छोटे छोटे बच्चों को धूप में घंटों सड़क किनारे खड़ा कर देना ना सिर्फ बाल संरक्षण कानून का उल्लंघन है बल्कि इन मासूमों के साथ एक तरह का अत्याचार भी है। स्कूली बच्चों को भाजपा की टोपी और गले में भाजपाई दुपट्टा डालकर लाइन में खड़ा किया गया था। बच्चों को ना सिर्फ घंटों लाइन में खड़ा कर दिया गया बल्कि उन्हें भाजपा की टोपी पहनाकर और उनके गले में भाजपा का दुपट्टा डालकर इन अबोध मासूमों के राजनीतिकरण का भी प्रयास किया गया। इतना ही नहीं, कुछ बच्चों के हाथों में कमल फूल निशान की तख्तियां भी थी तो कुछ मोदी मास्क लगाकर भी खड़े थे। इस बात की अब सभी प्रमुख विपक्षी दल निंदा कर रहे हैं। भाकपा माले के राजेश सिन्हा ने इसे सत्ता के नशे में चूर लोगों का कृत्य कहा है और साथ ही स्थानीय प्रशासन पर भी सवाल खड़े किए हैं। आम आदमी पार्टी के जिला संयोजक कृष्ण मुरारी शर्मा ने कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर तक ले जाएगी और बाल संरक्षण आयोग से भी मामले की शिकायत की जाएगी। कांग्रेस नेता सतीश केडिया ने भी इस मामले की कड़े शब्दों में भर्त्सना की है। सोशल मीडिया पर भी लोग भाजपा की जमकर खिंचाई कर रहे हैं। Thank you.
गिरिडीह में तमाम तरह की गतिविधियों के बाद मुख्यमंत्री का काफिला पहुंचा पीरटांग। वहां हाई स्कूल मैदान में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया गया। मौके पर मुख्यमंत्री ने विपक्षियों पर जमकर निशाना साधा। त्योहार जन आशीर्वाद यात्रा का काफिला गिरिडीह के बाद सीधे पहुंचा पीरटांग हाई स्कूल मैदान। यहां मुख्यमंत्री रघुवर दास ने विशाल जनसभा को संबोधित किया। मौके पर उन्होंने सरकार की तमाम महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार राज्य के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति के विकास को लेकर भी गंभीर है। इसी वजह से कई तरह की योजनाएं संचालित की जा रही है। आज सुदूरवर्ती गांव तक विकास की रोशनी पहुंची है और आगे भी द्रुत गति से काम करने को लेकर सरकार कृत संकल्पित है। उन्होंने विपक्षियों पर निशाना साधते हुए हेमंत सोरेन पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही कहा कि आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है तो अनर्गल बयानबाजी करता रहता है, लेकिन आपको इधर उधर ध्यान देने की बजाय राज्य में हो रहे विकास कार्यों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ इस जनसभा में मुख्यमंत्री के साथ सांसद अन्नपूर्णा देवी, विधायक केदार हजरा, जिला 20 सूत्री उपाध्यक्ष अशोक उपाध्याय, पूर्व जिला अध्यक्ष यदुनंदन पाठक, महापौर सुनील पासवान, उप महापौर प्रकाश सेठ, जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल, जिला महामंत्री देवराज, पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष दिनेश यादव, भाजपा नेता विनय सिंह, मनोज साहू, संजू देवी, पूनम प्रकाश, सुखदेव साहू, संजय सिंह पप्पू, राजेश पोद्दार, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष श्याम प्रसाद, 20 सूत्री अध्यक्ष शरद भक्त, प्रखंड अध्यक्ष अरविंद चंद्र रॉय, फलेंद्र सिंह, बबलू साव, बढ़न वर्मा, रेखा देवी, मुकेश मंडल, बैकुंठ पंडित, मुन्नालाल उपाध्याय, नरेंद्र राम, बबलू सिंह, अजय सिंह, सुधीर सिंह, पंचम सिंह, बालेश्वर यादव, सुमित कुमार, अरविंद बर्नवाल, अभय सिंह, कैलाश बर्नवाल, शिवशंकर सिंह, उज्ज्वल गुप्ता, विशाल गुप्ता, राकेश आर्या, सौरभ मिश्रा, संतोष पाठक आदि लोग मौजूद थे। कैसा हो झारखंड का मुख्यमंत्री? कैसा हो रघुवर दास? जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अब की बार 65 बार करने नहीं आए, हम सेवा करने आए, और सेवा की भाव से ये 3.25 करोड़ जनता। मेरा नाम है रघुवर दास, तो 3.25 करोड़ जनता मेरे लिए राम है और ये दास हनुमान। और जिस तरह हनुमान ने पूरी भक्ति से राम की सेवा की, तो मैं 3.25 करोड़ जनता को पूरी हनुमान की तरह भक्ति से अपनी राम 3.25 करोड़ जनता की सेवा। ये भ्रष्ट कांग्रेसी, ये भ्रष्ट झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए की सरकार थी, लेकिन गांव-गांव में घर घर में गरीब तक बिजली नहीं पहुंची। आज आप देखिए इन 4.5 साल के अंदर, जहां 67 साल की आजादी में यूपीए कांग्रेस के शासन में झारखंड में 68 लाख परिवार, 38 लाख घर में बिजली थी, 30 लाख मेरा झारखंड अंधेरा था, ये डबल इंजन की सरकार ने 5 साल के अंदर 30 लाख घर में हमने बिजली पहुंचा दी। गरीब का गरीब, ये राजनीति है झारखंड मुक्ति मोर्चा का। इनसे पूछो, 3-3 बार आदरणीय गुरू जी मुख्यमंत्री थे, बेटा भी मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे, ये संथाल भाषा की संस्कृति को मान्यता देने का काम क्यों नहीं? अभी किस बोकारो के भैरवों में लालपनिया के पास लुबुलु घंटावाड़ी, मैं मुख्यमंत्री बनने के बाद पहला बार गया, मैंने देखा दुनिया की संथाल वह एकत्रित होते हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धर्म सांसद, ये सौरम परिवार पूरे राज्य में घूम घूम कर सीएनटी एसपी एक्ट का उल्लंघन कर जमीन का जमींदार बने, चाहे वो साहेबगंज का पतना हो, डुमका हो, पाकुर हो, या रांची हो, बोकारो हो, धनबाद हो, घूम घूम कर ये सीएनटी एसपी एक्ट का उल्लंघन कर
आज ये सोरेन परिवार जमींदार बना है। कांग्रेस स्वास्थ्य प्रकोष्ठ की ओर से मंगलवार शाम एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी नायर ने भाजपा सरकार को धोखा देने वाली व बरगलाने वाली सरकार करार दिया। कांग्रेस पार्टी स्वास्थ्य प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर पी नायर के साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश उपाध्यक्ष समीर राज चौधरी ने मंगलवार को साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान डॉक्टर दोनों नेताओं ने कहा, जन समस्याओं को लेकर हम घर घर जाएंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए यह जो सरकार है वह सिर्फ धोखे और फरेब की सरकार है, जिसका काम लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाने का है और लोगों को बरगलाने का है। झारखंड प्रदेश के विभिन्न जिलों में कांग्रेस के द्वारा जन आक्रोश रैली का आयोजन की गई है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया गया कि किस प्रकार रघुवर दास की सरकार ने उनको ठगने का काम किया है और उनके भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम किया है, जिसके माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। साथ ही यह भी बताया जा रहा है कि किस प्रकार रघुवर दास की सरकार ने उनको ठगने का काम किया है और उनके भविष्य को अंधकार में धकेलने का काम किया। मौके पर अन्य कई कांग्रेस नेता मौजूद रहे। आपको शिक्षक जितने हैं उनको प्रमाणित नहीं किया है, कहीं कोई किसी भी विभाग में कोई रोजगार नहीं निकला गया है। तो अगर ये जो आशीर्वाद यात्रा जो निकाल रहे हैं, अगर ये काम किए होते तो इनको आशीर्वाद यात्रा निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कहीं ना कहीं फ्लॉप है और लोगों को फिर गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जात पात के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को गुमराह करते हैं, नौजवानों को बरगलाने का काम करते हैं। मैं घोर निंदा करता हूँ एज ए हेल्थ डिपार्टमेंट चेयरमैन के नाते कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि ये जो जन इन्होंने जो यात्रा निकाला है ये बिल्कुल ही फ्लॉप है। इनको जवाब इस बार विधानसभा में जरूर जनता देगी, 5 सालों का हिसाब इनसे लेगी। और किस मुंह से ये आशीर्वाद मांगने जा रहे हैं, मुझे बहुत ताज्जुब लग रहा है इस बात का। और ये बोलते हैं कि 65 पार सोचना बेकार है इनका। ये कंप्लीट इस बार जो भाजपा की सरकार हो झारखंड में तड़ी पार होगी। आश्वासन देती है और आपको भी पता है कि कितने देर बिजली रहती है। किसी भी चीज़ में आप चले जाइए, ये सरकार की जो नीतियां हैं सब जन विरोधी है। आज भी महिलाओं को, अगर हम लोकल गिरिडीह की समस्या की बात करें तो हमारी समस्याएं क्या है, शुद्ध पीने का पानी हमारे पास नहीं है। रोज हमारे यहाँ एक्सीडेंट होती है बड़े बड़े वाहनों से। कुछ दिन पहले DC साहब का भी लेटर इशू हुआ था कि बड़े वाहनों को शहर में प्रवेश निषेध किया जाए, लेकिन कहाँ हो रहा है। 25 वर्षों से यहाँ पे BJP के सांसद और विधायक हैं, लेकिन 25 वर्षों में गिरिडीह का क्या विकास हुआ, मैं ये आप जनता से पूछना चाहता हूँ। महिलाओं पे लाठीचार्ज करना, दुर्व्यवहार करना, किसी भी IPS ऑफिसर को गाली गलौज करना, यही ये सरकार है। जो सरकार मन से बोलती है कि झारखंड में शिक्षा की क्या जरूरत है, उस सरकार की कोई भी चीज समझने की ज्यादा जरूरत ही नहीं। अंत में शीर्षक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। झारखंड भाजपा ने की विपक्षियों पर सर्जिकल स्ट्राइक, 5 विधायक और 3 वरिष्ठ अधिकारी हुए भाजपा में शामिल। रांची भाजपा कार्यालय में हुआ भव्य कार्यक्रम, सभी को विधिवत रूप से बनाया गया भगवाधारी। मुख्यमंत्री समेत कई वरिष्ठ नेता रहे कार्यक्रम में मौजूद। मुख्यमंत्री जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर रघुवर दास का काफिला पहुंचा गिरिडीह। हवाई अड्डे में उन्हें दिया गया गार्ड ऑफ ऑनर। बाद में भाजपाइयों ने किया उनका गर्मजोशी से स्वागत। उनके रोड शो में भी उमड़ा जन सैलाब, जगह जगह हुई उनकी भव्य आगवानी। और जिला प्रशासन की ओर से गिरिडीह स्टेडियम में आयोजित किया गया भव्य कार्यक्रम। मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना के लाभुकों को प्रदान की गई 2री किस्त की राशि। DBT के माध्यम से बांटी गई 400 करोड़ की राशि। जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने विपक्षियों पर साधा जमकर निशाना, कहा मुद्दा विहीन हो गया है विपक्ष, भाजपा के विकासशील योजनाओं से झल्लाया हुआ है कांग्रेस और JMM।
आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।